नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे मालूम है आप लोग मुझे बहुत मिस करते ही होंगे, क्योंकि मैं एक वीक से बाहर था। क्यों बाहर था ये बताओ? क्योंकि आजकल हवाओं में जो एक मच्छर, समझ गए ना, इसलिए मैं हॉस्पिटलाइज था और आज ही आया हूँ। और आप लोगों से मिले बिना रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने आते ही सबसे पहला काम ये शुरू किया, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि आप कहाँ है और जल्दी से आके वीडियो बनाइए, हमें ये चाहिए करके। बहुत से लोगों ने बहुत से सब्जेक्ट भेजे भी हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी कहूँगा, आप तो जानते होंगे, दिलीप कुमार हमारे इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं, हर फन मौला कलाकार हैं, जिनके साथ काम करने के लिए कोई भी तरसता है, कोई ना बोल ही नहीं सकता। क्योंकि दिलीप कुमार के साथ शेयर करना, दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके साथ काम करना मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। दाग और बहुत सी पुरानी फिल्में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जिसे जिसे हम मेथड एक्टिंग कहते हैं, वैसी वो एक्टिंग वो कब से कर रहे थे। दिलीप कुमार साहब तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हैं, नमन है उनको, क्योंकि उनको आदर से, आज भी इनका नाम आदर से लिया जाता है। यश चोपड़ा साहब एक फिल्म बना रहे थे, उसमें लीड रोल में दिलीप कुमार साहब थे। अब बताइए, दिलीप कुमार साहब थे तो हर कोई चाहेगा उनके साथ काम करना, लेकिन यश चोपड़ा जब बहुत से लोगों के पास पहुंचे, जैसे कि उन्होंने तो बहुत सी फिल्में बनाई थी यश चोपड़ा जी ने, वक्त, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, और सिलसिला, और DDJ जो कि बरसों चली फिल्म, ये तो यश चोपड़ा का कमाल था और यश चोपड़ा की डायरेक्शन का कमाल था। दोस्तों, उसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले वो पहुंचे सनी देओल जी के पास। सनी देओल जी को कहा कि ये फिल्म है, ये आप कर लीजिए और बहुत अच्छी फिल्म है, सामने आपके सामने बहुत बड़े दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार साहब है, और कभी बड़ी मुश्किल से उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है। तो आप, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी सुना दिया, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, राजा नाम का कैरेक्टर था, राजा नाम का रो कैरेक्टर का रोल करना था, और बहुत ही, मतलब बम्बई भाषा में जैसे कहते हैं, बिंदास वाला जो कैरेक्टर था। तो दोस्तों, ये कैरेक्टर के लिए तो सब तरस रहे थे, लेकिन जब ये धर्मेंद्र जी की बात को मालूम पड़ा कि ये फिल्म अगर इनके पास आई है और ये फिल्म में दिलीप कुमार साहब है, इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं, उनके सामने तो कोई खड़ा नहीं रहता, भल भले के पांव हिल जाते, कोई आंखें मिला नहीं सकता उनके साथ। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव इतना था कि एक भी, कोई भी एक्शन, वो उनको डायलॉग हो या नहीं हो, सिर्फ आपको एक लुक देंगे तो आप हिल जाओगे, आप डायलॉग बोल नहीं पाओगे। क्योंकि अमिताभ को भी ऐसा हुआ था बहुत बार, अमिताभ जी भी उनके साथ एक फिल्म की थी, लेकिन कभी कभी ऐसे अपने आप को नीचा समझने लगते थे। अमिताभ जी ने ये कहा है कि जब ये शूट कर रहे थे तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस समझते थे। दोस्तों, ये तो होती है बात। तो धर्मधीर ने कहा कि सनी जी, आप ये फिल्म मत कीजिए, क्योंकि वो इतने पूरा स्क्रीन वो उठा लेंगे, आप वहाँ पे दिखोगे ही नहीं, और इतने दिग्गज कलाकार हैं तो उनकी कला को सब लोग देखेंगे, आप तो चले जाओगे बाजू से, पता भी नहीं चलेगा, तो ये फिल्म मत कीजिए। तो शायद सनी देओल को ये बात आ गई होगी मन में कि हो सकता है कि इतने बड़े दिग्गज कलाकार के सामने मैं छुप जाऊंगा, उनके ओरा के अंदर में छुप जाऊंगा, तो उन्होंने ना कह दी। इसके बाद यश चोपड़ा जी अमिताभ जी के पास पहुंचे, अमिताभ जी के पास पहुंचे और उनको भी बताया कि दिग्गज कलाकार, बहुत ही बड़े कलाकार के साथ आपको स्क्रीन शेयर करनी है, दिलीप कुमार साहब के साथ। तो उस वक्त तो अमिताभ जी एकदम ऊंचाई पे थे, तो उन्होंने उसका वायदा किया कि मेरे पास वक्त भी नहीं है, और कमल हसन के पास जाने के बाद कमल हसन ने भी यही कह दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, डेट नहीं है, या तो कुछ भी करके वो फिल्म से अलग हो गए, या तो नाराजगी दिखाई कि मैं कर नहीं पाऊंगा। जैसे सनी जी, अमिताभ जी और कमल हसन जब इस फिल्म से अलग हो गए, तो इनकी नज़र पड़ी, यश चोपड़ा जी की नज़र पड़ी अनिल कपूर पे। उस वक्त वो भी तो कुछ कोशिश कर रहे थे अपना जगह बनाने की। तो यश चोपड़ा जब उनके पास पहुंचे तो यश चोपड़ा जी ने कहा कि ये फिल्म है और दिलीप कुमार साहब के सामने काम करना है।
तो ये तो बहुत खुश हो गए, जैसे कि उन्हें तो दोनों हाथों में लड्डू मिल गए जो चाहते थे, जो क्योंकि कलाकार कला का भूखा होता है, रोल का भूखा होता है। वो रोल जब उन्होंने सुना, एक मवाली टाइप का ही कैरेक्टर था, राजा नाम का कैरेक्टर, तो वो तो करने तैयार हो गए। और वो अनिल कपूर जी ने, जैसे कि मीडिया में आया था, एक पैसा भी फीस नहीं ली थी, क्योंकि उनको दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना था, उनके साथ स्क्रीन शेयर करनी थी। और उसके बाद तो आपको सबको पता ही है, जैसे ये उन्होंने ये उनके साथ काम किया। मशाल फिल्म का नाम भी बता दूं, सॉरी अब तक मैंने बताया नहीं था, फिल्म का नाम था मशाल। वो 1984 में बन रही थी, उसमें दूसरे कलाकार थे, वहीदा रहमान जी थी और रति अग्निहोत्री थी और बहुत से कलाकार थे, अमरीश पुरी जी थे और नीलू फूले थे और ऐसे बहुत कलाकार थे और बहुत अच्छे, क्योंकि सिर्फ ये सब कलाकारों के सामने अकेले दिलीप साहब ने जो एक्टिंग की थी वो तो काबिले तारीफ है। वो तो आप फिल्म देखोगे मशाल तो पता ही चलेगा कि क्या काबिले तारीफ उन्होंने एक्टिंग की थी। हालांकि एक्टिंग के यूनिवर्सिटी थे दिलीप साहब तो सवाल ही नहीं है। तो उसके साथ जब अनिल कपूर अपने आप को जोड़ते हैं, क्योंकि कोई कोई सीन में जब अनिल जी, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अनिल कपूर ने अपनी अपना जलवा दिखा दिया, लेकिन जहां मिला वहां पे अनिल कपूर ने जलवा दिखाया और ये फिल्म सुपर ऊपर डीप सुपर डुपर हिट हो गई। और शायद उसके बाद अमिताभ जी और कमल हसन जी को भी लगा होगा कि ये फिल्म अगर हम कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अनिल कपूर का सितारा ऐसे चमका उसके बाद, तो उसकी जिंदगी बन गई झक्कास। और वो कैरेक्टर तो मुंबई का मवाली, या तो मुंबई का जो भी होता है भाई जिसे बोलते हैं, वो राजा का कैरेक्टर जो था भाई जिसे बोलते भाई मुंबई की भाषा में, तो वो बन गए थे। तो उसके बाद उनके पास तो फिल्मों की भरमार हो गई थी। तो दोस्तों ये ऐसे होता है कि बड़े बड़े दिग्गजों ने जब फिल्म में ठुकरा देते हैं या छोड़ देते हैं तो छोटों को फायदा हो जाता है। अनिल जी को फायदा हो गया, अनिल कपूर बन गए स्टार। दोस्तों ऐसी कुछ कहानी लेके आऊंगा, आपका दोस्त आपका होस्ट विपिन कुमार आपको सलाम करता है, सैल्यूट करता है, और आपका प्यार, आपका जो भी डीएम्स आए बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ छूता है। दोस्तों अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू का लाल बटन दबा देना, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ओलो को शेयर भी करना। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।